हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से वेलकम है माय यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम इकाइनोडर्माटा। फाइलम इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। तो क्या लिखेंगे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल पहला लिखेंगे हम लोग अस्टाइलिस। और इस अस्टाइलिस का दूसरा नाम से हम लोग क्या जानते हैं, तो स्टार फिश। दूसरा नाम हम लोग स्टार फिश के नाम से जानते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, इकाइनस। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, इकाइनस, जिसको हम लोग क्या जानते हैं दूसरा नाम से, सी यूरेचिन। ये दोनों एग्जाम्पल जो हो गया हम लोग का किसका, इकाइनोडर्माटा का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ इकाइनोडर्माटा का कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका फिगर में। तो क्या हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट इसका हम लोग लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इकाइनोडर्माटा के पास जो होता है वह कैसा होता है, तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पास सिमेट्री को देखेंगे, इसके पास जो होता है सिमेट्री वह कैसा होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इकाइनोडर्माटा के पास जो सिमेट्री होता है वह कैसा होता है, तो बायलैटरल रेडियल सिमेट्री होता है। कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, फाउंड इन रेडियल सिमेट्री, फाउंड इन क्या लिखेंगे हम लोग, अडल्ट इकाइनोडर्माटा। रेडियल सिमेट्री जो होता है, रेडियल सिमेट्री होता है वह किस केस में होता है, तो अडल्ट के केस में पाया जाता है। क्या रेडियल सिमेट्री पाया जाता है किसमें, तो इकाइनोडर्माटा में। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, सिमेट्री। अगला हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पिछला वीडियो में भी देखा था फर्टिलाइजेशन, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन जो होगा तो इसका कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इकाइनोडर्माटा का जो फर्टिलाइजेशन होगा वह क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। बाकी सारे फाइलम में हम लोगों ने देखा क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, इसमें जो होगा वह कैसा होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और सेक्सेस जो इसमें होगा वह क्या होगा, तो दोनों अलग अलग होंगे, जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यकर्स इन इकाइनोडर्माटा। इस तरह से हम लोग अगला पॉइंट को लिखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि इकाइनोडर्माटा आर फाउंड इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वह क्या करता है, तो लोकोमोशन का काम करता है, इसको लोग मूवमेंट करते हैं। अगला देखेंगे हम लोग इकाइनोडर्माटा के में, तो आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इकाइनोडर्माटा फाउंड इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है हमने क्या बताया, तो मूवमेंट का काम करता है। अगला हम लोग क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे इसमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगला क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, जो होगा सेक्सेस क्या होगा, हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सेस आर सेपरेटेड। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ चलेंगे स्टारफिश का डायग्राम बताएंगे, जहाँ स्टारफिश हम आपको बताएंगे कि क्या क्या उसका लवलिंग डायग्राम होता है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग देखते हैं,
इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह फिगर जो हम लोग का हो गया वह क्या हो गया, इकाइनोडर्माटा का, जिसको हम लोग स्टार फिश कहते हैं, इकाइनोडर्माटा का एग्जाम्पल हो गया स्टार फिश। तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल पार्ट्स, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे माउथ, क्या कहेंगे इसको माउथ कहेंगे। और यहाँ ये जो ब्लैक डॉटेड डॉटेड लाइन जो हम लोग का बनाया गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एनस। और यह जो काटा टाइप का निकला हुआ है छोटा छोटा ब्लू कलर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं यार्म्स। ये जो निकला हुआ हम लोग का, इसको हम लोग क्या कहेंगे यार्म्स। और ये जो काटा की तरह ब्लू कलर का निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो स्पाइन, क्या कहेंगे स्पाइन। तो ये डायग्राम जो हम लोग का हो गया, इस पूरे लवलिंग डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार फिश जो एग्जाम्पल होता है किसका, इकाइनो डर्माटा का। इस तरह से हम लोग आज क्या किए, इकाइनो डर्माटा का टॉपिक को खत्म किया। बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में।